जमशेदपुर में थोक सब्जी विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता संघ के द्वारा सैरात के दुकानों में बढ़े हुए किराए का विरोध जताते हुए जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान इन्होंने कहा कि सैरात के छोटे छोटे दुकानों में सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें लगाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, दिन भर मेहनत कर किसी तरह गुजारा करते हैं। ऐसे में एकाएक दुकानों में रख रखाव के नाम पर 10-10 हजार का बिल जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति भेज रही है, जो दुकानदार देने में सक्षम नहीं है और इसी को वापस लिए जाने की मांग संघ कर रही है। साक्षी सब्जी मंडी खुदरा एवं होलसेल विक्रेता संघ और रेडीमेड मार्केट से हमारे साथ जो आए हुए हैं, हम लोग डीसी मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं कि जो बढ़ा हुआ किराया है उनको वापस लिया जाए और गरीब गुर्गा कहाँ जाएगा। 2x2 का प्लेट जिसमें सब्जी बेचते हैं, वो एक बोरा सब्जी बेचते होंगे तो 150-200 रुपये कमाते होंगे, उसका आज महीने का रेंट हो गया 4500 रुपया, वो कहाँ से देंगे। 10x10 का दुकान का रेंट हो गया है 10,000 रुपया, वो कहाँ से देंगे। सब गरीब दुर्गा मरेगा और मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह करने का प्रयास करेगा, नहीं तो इनको वापस लेना ही होगा। जमशेदपुर से न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।